لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين تفسير سورة البقرة آية نمبر <تمتص> 228 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ولا يحل لهن أن يقتمن ما خلق الله في أرحامهن إن قن يؤمن بالله واليوم الآخر والمطلقات اور سارے کے سارے तलाक दी जाने वाली औरतें वो क्या करेंगी वो रोके रखेंगी अपने आप को तीन अयाम माहवारी और उनके लिए ये जायज नहीं क्या बात जायज नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया है वो उसे छुपाए उन्हें हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखती हैं और उनके शोहर ताल्लुक दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें अपनी जोजियत में वापस लेने के हकदार हैं सूरा बकरा के इन रकुआत में अल्लाह सुबहाना ताला ने अब तलाक के हवाले से तरीका वजा फरमाया है सूरा बकरा के ये रकुआत और सूरा तलाक की आयात इस्लामी शरीयत के अंदर तलाक का तरीका वाज करते हैं आयात को पढ़ने और इनकी तफसीर समझने से पहले अगर बुनियादी तौर पर तलाक के हवाले से कुछ बात कर ली जाए तो इन आयत को पढ़ना आसान हो जाएगा तलाक का रोटवर्ड है कौ लाम ओफ ओलाका का मतलब है चला चला निकला गया रवाना हुआ तलाक कहते हैं चलाने को निकालने को रवाना करने को चलता बनाने को तलाक शराई इतलाह में शरा टर्मिनोलॉजी में तलाक उस अमन को अमल को कहते हैं जिसके होने या करने के बाद निकाह का ताल्लुक खत्म हो जाता है अकद निकाह, वो निकाह की गिरा जो है वो टूट जाती है और अकद निकाह में बंधे हुए वो दो अजवाज एक दूसरे से अलग जुदा हो जाते हैं यही अकद निकाह को मनसूख करने खत्म करने और दोनों को उस निकाह की पाबंदी और गिरा से आजाद करने वाला अमल तलाक है। तलाक शरा तौर पर जायज और हलाल है लेकिन यह बात याद रखिएगा कि तमाम जायज तमाम जायज और हलाल चीजों में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज भी तलाक ही है इसकी इजाजत हिकमत के लिए दी तो गई है लेकिन इसको इंतहाई तौर पर नापसंदीदा करार दिया गया अल्लाह के हां यह अमल शदीद नापसंदीदा है मजबूरी के तहत इसकी लचक और छूट इसलिए दी गई कि बस अवकात दो अजवाज अपने हालात अपने वाक्यात अपने मिजाज या कुछ सिचुएशंस के अंदर उनके अंदर निभा मुमकिन ही नहीं और अगर उनको बांध के रख दिया जाएगा तो शायद एक बहुत बड़ा फितना या फसाद का इम्कान हो बहुत बड़े बिगाड़ का इतमान हो जिसको अलग नहीं किया जा सकता उसको रवाना नहीं किया जा सकता उनको एक दूसरे से हटाया नहीं जा सकता तो ऐन मुमकिन है कि कत्ल और जहर और पता नहीं किस चीज तक मामला पहुंचे या फितना फसाद और बिगाड़ या नुकसान का इम्कान बहुत ज्यादा बढ़ने का इम्कान है तो ऐसे हालात में हमत के तहत क्योंकि हमारा दीन दीन इतदाल मतदल अहकाम कुछ शरीयतों कुछ अध्ययन के अंदर तलाक का तस्वर मौजूद नहीं है वो बिगाड़ माशरे के अंदर खुद नजर आता है तो हमारा दीन एक मतदिल दीन है एक दरमियाना दीन है बैलेंस एहकाम वाले दिन के अंदर इसकी इजाजत तो दे दी गई इसकी छूट दे दी गई इसको जायज और इसको हलाल तो करार दे दिया गया मजबूरी और कराहत के हालात के अंदर लेकिन इसको पसंद नहीं किया गया हदीस के अल्फाज मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादियां करो तलाक के ना दो शादियां करो तलाक के ना दो मजे चखने वालों और मजे चखने वालियों को अल्लाह पसंद नहीं करता गोया कसरत से तलाकें देकर एक से दूसरे की तरफ लजत और लुत्फ के लिए मुंतकिल होना यह एक नापसंदीदा अमल है इसी तरह हदीस के अल्फाज आते हैं हर तालिब लजत हर ताल लजत बसरत तलाक देने वाले पर अल्लाह की लानत है तो लिहाजा यह नेहा इतना पसंदीदा अमल है तलाक के हवाले से कुछ अमूमी सी और जनरल सी बातें और फिर उसके बाद तलाक का बाकायदा शरीत के मुताबिक तरीका क्या है तलाक के हवाले से ये जान लीजिए कि तलाक निकाह के बाद ही दी जा सकती है निकाह से पहले यह कह देना कि मैं निकाह के बाद तलाक दूंगा ये तलाक का तस्वर नहीं है हदीस के अल्फाज मौजूद है ला तलाक निकाह तलाक निकाह से पहले नहीं है इस हवाले से दूसरी बात कि तलाक देना शौहर ही का हक और इख्तियार है जब निकाह बनती है तो उस अक् ने कहा कि अक् और गिरा शौहर के हाथ में है और ये तलाक देने का हक और मजाज और इख्तियार शोहर ही के पास है ये तलाक का हक वो अपनी मर्जी और आजादी राय से इस्तेमाल करने पर मुख्तार है और इख्तियार रखता है और मजीद ये इख्तियार जबरन उससे मनवाया या उससे इस्तेमाल करवाना शरीयत का तस्वर नहीं है कोई रिश्तेदार कोई वाले कोई कोर्ट कोई काजी जबरन शोहर को ये हक इस्तेमाल करने की तरफ जबर का तरीका इख्तियार नहीं किया जा सकता ये सिर्फ और सिर्फ शोहर का अपना जतीी इख्तियार है आगे चल के अभी बात होती है कि यह इख्तियार्बत् बीवी को मुंतकिल हो सकता है लेकिन ये बुनियादी तौर पर शोहर का हक है और जबरन इसको इस्तेमाल करवाना शरीय का तरीका नहीं है तलाक इशारे और कनाए के अल्फाज में भी दी जा सकती है अगर डायरेक्ट अल्फाज ना भी हो लेकिन ऐसे अल्फाज हों जिनकी गरज जिनका मकसूद और जिनकी नीयत और इरादा तलाक का हो तो भी अक्सरियत की राय में यह तलाक होगी सतायरशाह के रवायत से एक वाक्य आता है आते तयबा का फरमाती है कि जून नामी एक शख्स की बेटी रसूल सल के निकाह में दी गई इक् के बाद उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया जब आप करीब हुए तो उस खातून ने उस औरत ने यह कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उस अज़ीम जात की पनाह मांगी है लिहाजा तू अपने घर वालों के पास चली जा ये डायरेक्ट अल्फाज नहीं थे लेकिन इससे मकसद इससे मकसूद और इससे कनाया तन इशारा तलाक ही का इरादा मौजूद था तो इसके बाद उस औरत के साथ तलाक का मामला हुआ और वो अपने घर वालों के पास चलेगी गोया इशारा तन कनाया तन इन डायरेक्ट अल्फाज में भी अगर उस नीयत उस इरादे उस गरज के साथ शौहर ये अल्फाज पुकारता है तो इन नमाल माला मालो बिनियत अमाल का दरों दर बुनियादी तौर पर नीयतों पर है इसी तरह हजरत उमर के दौर में एक वाक्य भी आता है कि एक शख्स वो इराक़ में था और इराक़ में उस शख्स ने हज़रत उमर खलीफा थे और हज़रत उमर को यह खबर पहुंची कि इराक में एक शख्स ने अपनी बीवी से यह कहा कि तेरी रस्सी तेरे कुहान पर है ऊंट की रस्सी ऊंट के कुहान पर होने का मतलब क्या होता है कि वो ऊंट आजाद है यानी उसके मालिक ने उसकी नकेल उसकी रस्सी छोड़ दी है और उसकी कुहान पर रख के उसको खुद मुख्तार कर दी तेरी रस्सी तेरे कोहान पर यह उनका एक इशारे कनाए का तरीका था हजरत उमर को जब उस शख्स के बारे में ये जुमला कहने का इल्म हुआ तो आपने हाकम इराक को कहा कि वो शख्स जब हज पर आएगा तो उसे कहना वो मुझसे मिले वो इराकी जब हज के लिए आया हजरत उमर को मिला उसने अपनी पहचान और शनाख्त करवाई कि मैं वही शख्स हूं जिससे आपने मिलने का हुक्म दिया था तो हजरत उमर ने उससे पूछा कि तुझे रब काबा की कसम तुझे काबा की कसम के जब तूने ये अल्फाज कहे थे उस वक़्त तेरे दिल में नीयत और इरादा क्या था तो इस इराकी शख्स ने कहा कि आपने मुझे इतनी बड़ी कसम दे दी अगर आपने मुझे इतनी बड़ी कसम ना दी होती तो मैं जरूर सच को छुपा लेता आपने मुझे इतनी बड़ी कसम दी अगर आपने मुझे इतनी बड़ी कसम ना दी होती तो मैं जरूर सच को छुपा लेता जिस वक्त मैंने ये अल्फाज कहे थे मेरी नीयत और मेरा इरादा तलाक का तो इस पर हजरत उमर ने कहा जो तेरी नीयत थी फिर वो हो गया तो गोया इशारे कनाए नीयत अगर तलाक की हो और ये अल्फाज इशारे कनाए या इनडायरेक्ट अल्फाज में भी कह दिए जाए तो अक्सरियत की राय में ये मामला रोनुमा होगा अलबत्ता अगर दिल ही दिल में इरादा कर लिया जाए और जबान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इशारे कनाए के साथ किसी तरीके से ना पुकारा जाए सिर्फ दिल में इरादा किया जाए तो उससे तलाक रोनुमा इसी तरह मजीद ये भी देख लीजिए कि हंसी में मजाक में संजीदा या गैर संजीदा जिस तरीके से भी दी गई हसी मजाक गुस्सा संजीदा गैर संजीदा जो भी अंदाज हुआ तलाक देते वक्त या कैफियत हुई तलाक देते वक्त तलाक रूनुमा हो जाएगी हजरत अब हर रजी अल्लाह तवायत से तिरमजी शरीफ में हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बातें तीन बातें हंसी मजाक और संजीदगी में हो जाती है यानी तीन काम ऐसे हैं अगर उनको हंसी मजाक से करो या संजीदगी से करो जैसे भी करो वो हो जरूर जाती तीन बातें हंसी मजाक और संजीदगी में हो जाती हैं और ये तीन बातें क्या हैं निकाह तलाक और रुजू निकाह तलाक और रुजू सीरियसली दिया नॉन सीरियसली मजाक में किया संजीदगी में किया ये तीन काम जिस स्टेट ऑफ माइंड और जिस रवैये में भी किए ये हो जाएंगे इसी तरह शरीयत में मशरूत तरीके से मशरूत या मुअल्लक तलाक अगर दी जाए तो वो भी हो जाती है मशरूत तलाक उस हालत को कहते हैं कि शोहर अपनी बीवी के साथ किसी चीज की शर्त लगाए कि अगर फलां काम हुआ या फला फेल हुआ या तूने फला चीज की तो तुझे तलाक है और वो वो काम कर डाले तो तलाक हो जाती है इसको मशरूत तलाक या मौलक तलाक कहा जाता है मसलन एक शोहर अपनी बीवी से कहे अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक और वो बीवी ये कहने सुनने के बावजूद घर से बाहर निकले तो फिर उसे तलाक हो जाती ये मशरूत या मुलक तलाक का तरीका है तलाक के लिए किसी को भड़काना या इसकी तरफ माइल करना या उभारना यह शदीद नापसंदीदा है हजरत अबू हुरैर अन की रवायत से अबू दाऊद में हदीस के अल्फाज हैं वो शख्स जो किसी औरत को उसके शहर के खिलाफ भड़काएगा वो शख्स जो किसी औरत को उसके शहर के खिलाफ भड़काएगा या उसके गुलाम को उसके मालिक के खिलाफ भड़काएगा लईसा मिनना वो हम में से नहीं है तो औरतों को बीवियों को शहरों के खिलाफ भड़काना तलाक या खुला लेने पर माइल करना या गुलामों को अपने मालिकों के खिलाफ भड़काना यह भड़काने वाला हदीस के हैं लई सा वो हम में से नहीं है अभी मैंने आपको पहले बताया कि तलाक बुनियादी तौर पर शौहर का हक है लेकिन वो ये हक बीवी को मुंतकिल कर सकता है शोहर अपनी बीवी को हक के तलाक दे सकता है इसको इस तलाक में तखीर कहा जाता है यानी खियारा खियारा का मतलब इख्तियार शोहर का बीवी को तलाक का इख्तियार दे देना उसको तलाक का मुख्तार बना देना ये हक के तलाक का शोहर से बीवी की तरफ मुंतकिल होना इसका तस्वर मौजूद है कुरान में अल्लाह अल्ला ने तसवाज मतहरा को एक मौके पर वसलम के जरिए ये ऑप्शन दी गई थी कुरान की आयात वही नाजिल की गई और नबी सल्ला वसलम को वही में कहा गया कि इसवाज मुतात को कह दें कि अगर वह आपके साथ रहना चाहती हैं या आपके अलावा दुनिया और दुनिया की जीनतें चाहती हैं तो इन दोनों में से पिक कर लें

और जवाब देने से पहले अपने वालदेन से मशवरा कर लेना और फिर आपने यह आयत सुनाई तो हजरत आयशा ने हजरत खुद फरमाती हैं कि मैंने फौरन कहा या सल्लल्लाहु रसूल सल्लाम मैं आपके साथ रहने को दुनिया और आखरत तमाम चीजों के मुकाबले में दुनिया की सारी नेमतों और सहूलतों के मुकाबले में मैं आप के साथ रहने को तरजीह देती हूँ आयशा फरमाती है कि हम सब अजवाज मुता के साथ रहने को तरजीह दी और आप सल्लल्लाहु सलम ने अपने इन अल्फाज को तलाक शुमार नहीं किया गोया जब शोहर अपनी बीवी को हक के तलाक मुंतकिल करता है तो ये उसकी तरफ से तलाक नहीं शुमार होती वो इख्तियार बीवी को मुंतकिल किया जाता है इस हालत में वो इख्तियार बीवी भी इस्तेमाल कर सकती है और वो शोहर भी इस्तेमाल कर सकता है यह इख्तियार का मुंतकिल करना हक के तलाक का बीवी को मुंतकिल करना याद रखिएगा कि आरजी भी हो सकता है और मुस्तकिल भी हो सकता है मुंतकिल करते वक्त शौहर कह सकता है कि अगले दो तीन महीनों के लिए दो सालों के लिए मैं तुम्हें हक देता हूं आरजी भी हो सकता है मुस्तकिल भी हो सकता है और यह भी याद रखिएगा शौहर क्योंकि यह बुनियादी तौर पर हक शौहर का है कि शौहर हक देने के बाद वापस ले भी सकता है अगर उसको बीवी के अंदर कोई इमकान फितने का फसाद का किसी किस्म के बिगाड़ का हक नजर आए तो वो दिया हुआ हक के तलाक वापस भी ले सकता है इसके हवाले से एक और बात भी याद रखिए कि शौहर का बीवी को हक के तलाक देना यह शौहर की अपनी मर्जी और रजामंदी से होना है या तो दोनों फरीक है की रजामंदी के साथ या मर्जी के साथ और खालिस्तन शोहर की ऐसी मर्जी के उस पर कोई दबाव, कोई बोझ कोई सौदाबाजी कोई मशरूत या कोई जबर तरीके से उसके साथ ये मामला नहीं लिया जाएगा रिश्ता देने से पहले यह कह दिया जाए कि रिश्ता देंगे तुम्हें तब अगर तुम बीवी को बच्ची को हक तलाक का हक दो तो ये मशरूत तरीके से जबर के तरीके से प्रेशर करके या किसी और तरीके से ये हक शोहर से जबरन या मशरूत तरीकों से नहीं लिया जा सकता ये उसकी अपनी रजामंदी उसकी अपनी रगबत या आपस के बाहमी मामलात के साथ हो सकता है अलबत्ता शरीयत में इसके नमूने मौजूद हैं अजवाज में जुदाई डलवाना और अजवाज के दरमियान झगड़ा और तनाज़ा और अलैदगी डलवाना ये तलाक़ का अमल या वैसे खफगी और झगड़ा डलवाना ये अल्लाह का सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमाल में से एक और शैतान का सबसे पसंदीदा अमल जादू के हवाले से भी मा यू फर्रिकून अभी ही बइन अल मार ही उनयात ने भी मैंने आपको बताया था कि मिया बीवी के दरम्यान जुदाई डलवाना यह शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है जेनों में दोहरा लीजिए मुस्लिम शरीफ में हजर जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत से वो हदीस आती है जो उस दिन भी आपने सुनी थी कि शैतान अपना तख्त लगाता है और मुख्तलिफ कारिंदे जब आके रिपोर्ट देते रहते हैं कि मैंने फला जगह झूठ और फला रिश्वत और चोरी और डाका और राहज़नी करवाई तो वो कहता जाता है तो कुछ नहीं किया लेकिन जब उसका एक कारिंदा आके उसको ये बताता है कि मैंने मियाँ बीबी के दरम्यान जुदाई और झगड़ा डलवा दिया तो वो उठ के एक रवायत में आता है कि उसको अपने तख्त पर साँट बिठाते है और एक रवायत में आता है उठ के उसने गले लगाते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवाय से मुस्लिम शरीफ की हदीस है तो लिहाजा ये अब जान लीजिए कि यह हक बुनियादी तौर पर मर्द का है तलाक जहां पसंदीदा तो जरूर है लेकिन इसका बाकायदा एक जाप्ता और एक तरीकाकार हदीस के जरिए वजह किया गया है कुरान ने भी रा बकरा में भी सूर तलाक में भी और इसी तरह हदीस के जरिए बाकायदा कब कहां कैसे दी जाएगी अगर दी जाने की नौबत पहुंची तलाक की मुख्तल किस्में हैं तलाक के मसनून वो तरीका जो कुरान और हदीस से सही तरीका साबित है तलाक के बेदई तलाक के मसनू तलाके बेदई खुद से खुद बढ़ाया हुआ एक नया सिस्टम और तलाक बातिल मसनून तलाक के तरीके बुनियादी तौर पर तीन तरह के हैं इनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट करेक्ट तरीका इसको तलाक के आहसन कहा जाता है सबसे बेहतरीन बेहतरीन का मतलब यह नहीं कि अब यह अच्छा काम है लेकिन अगर दिया गया तो यह बेहतरीन तरीका है इस काम को अपनाने का तलाक अहसन का तरीका क्या होगा हमें हदीस की तालीमां से यह बात पता चलती है कि अगर किसी मर्द को अपनी बीबी को तलाक देनी है तो हैज के बाद तोहर या पाकी की वो हालत जिसमें उनका ताल्लुक कायम नहीं हुआ तलाक उस तोहर में दी जाएगी हैज के बाद तोहर या पाकी का वो वक्त जब अभी अजवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ उस तोहर में तलाक देना असल तलाक के लिए मुनासिब और मौजू वक्त है। हैज की हालत में तलाक देना नापसंदीदता है और आपने इससे मना फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रवायत से हदीस के अल्फाज हमें पता चलते हैं कि हयात तयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी और हजरत उमर को यह खबर पहुंची कि उसकी बीवी हैज में थी हजरत उमर ने उस खातून को हैज की हालत में तलाक दिए जाने की खबर के बारे में जब सल्लल्लाहु रसुल्ला वसल्लम को खबर दी और इसके बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु सह वसल्लम ने हजरत उमर को फरमाया कि उससे कहो यानी अगर उसने हैज की हालत में अपनी बीवी को तलाक दी है तो आपने ताक़ीद फरमाई कि उससे कहो कि तुहर में यानी पाकि में फिर उसके साथ रजू करें यानी अंडू करें इस तलाक को तोहर में या पाकी में अपनी बीवी के साथ रजू करे और फिर हैज के बाद तोहर में जमा से पहले तलाक दे अगर उसे देनी है तो यह तलाक के मसनूना का सही और दुरुस्त तरीका है हजरत अब्दुल्ला बेरोमर ही की रवायत से इब्ने माजा में आता है कि आदमी तोहर में जमा के बगैर तलाक दे शोहर अपनी बीवी को तलाक के अल्फाज पुकार देता है तो उसके बाद आने वाली मुद्दत को इद्दत कहा जाता है इद्दत अदद से है। आइन दाल इद्दत दाल शुमार की जाने वाली वो जिसकी मुद्दत को शुमार किया जाता है गिनना जाना इद्दत तलाक के बाद तलाक के पुकारे जाने के बाद चाहे डायरेक्टली है चाहे इनडायरेक्टली है चाहे वो मशरूत थी जिस भी अंदाज में थी जब शोहर अपनी बीवी को वो तलाक के अल्फाज कह देता है उसके बाद जो इंटैरम पीरियड वेटिंग इन पीरियड शुरू होता है उसको इद्दत कहा जाता है क्योंकि इसकी मियाद इसकी इसकी जो लिमिट है इसको गिना जाता है इसको शुमार किया जाता है इद्दत के हवाले से कुछ मसाइल जानने जरूरी हैं सूरह तलाक सूरह बकरा और हदीस के हवाले से हमें पता चलता है कि ये इद्दत का दौरानिया कितना होगा अगर हम आज ये की पहली आयत देखें सलासा तकरू तीन अयाम माहवारी आइडली वो खात जिनको माहवारी आती है जिनको हैज आता है उनके लिए इद्दत तीन अयाम माहवारी होगी यानी एक हैज के बाद जो तोहर का पीरियड है उसमें उस तोहर के पीरियड पाकी के पीरियड में ताल्लुक कायम किए बगैर तलाक दी गई उसके बाद तीन हैज गुजरे तीसरे हैज से पाक होते सार ही उसकी इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाएगा तो एक खातून जो हाइजा खातून है हैज वाली खातून जिसको हैज आता है और उसके हैज की तारीख मौजूद है तो उसके लिए तीन अयाम माहवारी और तीसरे तीसरेज से पाकी पर उसकी इद्दत मुकम्मल होगी सन रसीदा खात बड़ी उम्र की खातन जो हैज से मायूस हो चुकी हैं पोस्ट पोस्टमिनोपॉज लेडीज जिनके अब हैज का मामला नहीं है तो उनके लिए मुद्दत उनके सबका हैज की आदत और उसके दौरानिए के मुताबिक होगी उसका जो साइकिल था कुछ का चालीस दिन का कुछ का पैंतीस दिन का कुछ का पच्चीस दिन का तो जो उसकी सबका जिंदगी में हैस के में जो उसकी आदत थी उसके मुताबिक तीन साइकल्स उसकी इत होगी इसी तरह नाबालिग बच्ची जो अभी बलूक को नहीं पहुंचे आपको पता है बलूक से पहले निकाह शरीय तौर पर जायज है और बलूक से पहले फिर जब निकाह जायज है तो तलाक का मामला भी जायज है दी जा सकती है एक बच्चे जो अभी बलूक तक नहीं पहुंची और हैज का आगाज नहीं हुआ उसकी इदत उस इलाके में खातन की हैज की आदत के मुताबिक होगा आप देखें कि अक्सर इलाकों में मेंज की आदत तीस दिन एक महीने है कुछ इलाके गर्म इलाके कुछ इलाके सर्द इलाके तो उस माशरे में उस बस्ती में उस इलाके में खातन की अक्सरियत की हैज की जो आदत है उसके मुताबिक उस नाबालिग बच्ची के लिए तीन याम माहवारी उस माशरे के नॉम के मुताबिक उसकी इज्जत होगी इसी तरह हामला खातून, एक खातून को हमल में तलाक दी जा सकती है अगर खातून को हमल है उसका शौहर उसको तलाक तो दे सकता है लेकिन इस हमला खातून की इज्जत फिर तीन महीने या उसके अयाम माहवारी की ड्यूरेशन के मुताबिक नहीं उसकी वजाय हमल यानी उसकी डिलीवरी तक होगी उसका वजाय हमल उसकी डिलीवरी तक उसकी इज्जत होगी यानी उसके बच्चे के पैदा होने तक चाहे वो बच्चा बिल्कुल आठवें महीने में तलाक दी जाए और महीने के बाद बच्चा पैदा हो और चाहे दूसरे महीने में तलाक दी जाए और उसके बाद सात महीने अभी गुजरे लेकिन वज़ाय हमल एक हमला खातून की इज्जत होगी ये इज्जत हास तलाक के हवाले से बताई जा रही है बेवा खातन की इज्जत इससे फर्क और अलग है आगे जाके उस पर बात भी होगी चार महीने दस दिन एक बेवा खातून की इद्दत है उसके अहकाम और उसके मसाइल बाहर कैफे से बहुत फर्क है ये इज्जत का दौरानिया अब इ्जत गुजारने की जगह और अंदाज और अहकाम क्या है इद्दत एक शहर के घर में गुजारनी मुतलका खातून के लिए हदीस से साबित है पहली दो तलाकों के चांसेस में रजई तलाक की हालत में बायना तलाक में नहीं भी मैं आगे तलाक की हकीकतें भी बताती हूं रजई तलाक की हालत में ये इद्दत खातून अपने शोहर के घर गुजारेगी और शोहर का वो घर जहां पर शोहर खुद कयाम करता है मतलब आप देखें शोहर शौहर के एक से ज्यादा घर है तो ये नहीं कि वो उसको अपने उस घर में मुंतकिल कर दे जहां वो खुद आबाद नहीं है शोहर का वो घर जिसमें वो शोहर खुद कयाम करता है इद्दत बीवी मुतलका औरत उसी घर में गुजारेगी आज हमारे माशरे में जब तलाक का मामला रूनुमा होता है तो भाइयों को और बापों को और सबको बड़ी गैरत आती है और वो बड़े गैरत वाले बन के बच्ची को अपने घर ले जाते हैं और यहाँ तक अगर शर्य तौर पर यह हकीकत समझाई भी जाए तो वह कहते हैं लो हमारे पे इसके दो वक्त ही रोटी भारी है और वह तलाक के बाद वो इद्दत मेके में बच्ची गुजारती है और वही बच्ची जिस पर बापों को और भाइयों को पहले इतनी गैरत आ रही थी जब इद्दत पूरी हो जाती तो सारी गैरत खत्म हो जाती है उसकी दो वक्त की रोटी वाकतन भारी हो जाती है ऐसा है नहीं तो लिहाजा इद्दत इद्दत खातून रजई तलाक के बाद अपने शौहर ही के घर गुजारेगी शरीयत पसंद करती है कि इस इद्दत के दौरान वो बने संवरे और अपने हाल को बेहतरीन हालत में रखे शौहर के लिए शरीयत पाबंद करती है कि रजाई तलाक के बाद घर में रखने के साथ साथ उस खातून को उसके गुजश्ता तरीके और हकूक के साथ उसका नान नफका फ्राहम करें। इस इद्दत के दौरान शौहर को रजू का हक और इख्तियार मौजूद है रजई तलाक के बाद और इस रजू में शौहर के पास जबर का इख्तियार भी मौजूद है जैसे मैंने आपको बताया था कि इला में रजू कौली तौर पर भी हो सकता है लेकिन तलाक के बाद कौली रजू मोतबिर नहीं है जिसमानी तौर पर रजू करना तलाक के मामला में लाजिम है और इसमें शोहर को जबर की इजाजत भी मौजूद है कोई आप देखें कि तलाक के बाद शरीयत एक पूरा ऐसा माहौल पैदा कर रही है निभा हो जाए निभा हो जाए ये घर में उसी घर में रह रही है उसी घर में चल फिर रही है बन संवर के फिर रही है वो इसके साथ उसने इखलाक का मामला कर रहा है वो इसको इसका नान नफका दे रहा है अगर दिल की अगर बीवी के दिल में कजी और टेढ़ थी तो वो उसके हुसन अखलाक और नान नफके की वजह से वो नरम होके वो माजरत करके पलटेगी और अगर अगर बीवी का नहीं शौहर का कसूर था तो इस माहौल में शायद उसका दिल नरम हो जाए पूरे के पूरे तकरीबन तीन महीने इनको इकट्ठा घर में रख कर महज शरीयत ये चांसेस क्रिएट कर रही है कि निभा हो जाए और घर ना टूटे अल्लाह के हाँ ये शदीद पसंद है तो अल्लाह सब हर सिचुएशन हर कंडीशन अराइज करके इस ब्रेकअप को प्रिवेंट करने के लिए ये इ्जत घर में गुजारने का तरीका शरीय तौर पर सिखाते हैं और आज हमारे माशरे में ये तरीका जो है उसे उन लोगों को महरूम कर दिया जाता है لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله